now we are going to start our derivation of equation of motion by graphical method. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है। सबसे पहले बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इससे निकाल सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड नंबर थ्री हम निकाल सकते हैं इसमें से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। एक ही ग्राफ लेंगे और उस एक ही ग्राफ से क्या हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट है वो कंसीडर करना है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, और वो टी टाइम में ऐसा डिस्टेंस मूव कर गया। अभी इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो ये रहा मेरा ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे क्योंकि उसमें डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ कवर कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइम इस तरफ टाइम, इस तरफ वेलोसिटी, और ये रहा हमारा ओरिजिन। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर से नहीं चल रहा, उसकी कुछ नीचे वेलोसिटी है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और टी टाइम में क्या ये एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, दैट मीन्स का ये ऐसे स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा, इस तरह से यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि इसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली और यहाँ तक कि इसने टाइम में ये सारा डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ तक का। यहाँ पर इसका टी टाइम आ जाएगा, टी मैंने इधर लिखा। ठीक है, अब इसको क्या हम करेंगे, एक कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हमने जो ग्राफिकल मेथड किया था फर्स्ट वन किया, तो इसका नाम हो गया ए, ये हो जाएगा बी। ए बी तो हमारी स्लोप होगी। अब इसके बाद हमने इसको ज्वाइन किया था और ये रहा हमारा डी, एंड ये पॉइंट हमारा हो गया ए। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ओ से लेके ए तक का हमारा डिस्टेंस, ये वाला ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी का हो सकता है। ओ से ए हमारी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के इनिशियल वेलोसिटी उसने पकड़ ली है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ये होगी। ओ ए के सामने क्या पड़ा है, ईडी। अगर इसको हम रेक्टेंगुलर समझें, ये वाले पार्ट को रेक्टेंगुलर समझें इसको, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ओ ए और ED दोनों U आ जाएगी। सिमिलरली O से लेके C तक इसने V वेलोसिटी अटेन कर ली, U की है तभी V की है, तो O से लेके C तक हमारे पास V आ जाएगी। OC के सामने ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो हमारे पास ये BE भी या EB भी V आ जाएगी। फिर बचा हमारे पास, एक मिनट, फिर बचा हमारे पास OE, ये वाला पार्ट, ये इसके इक्वल, ये सारा का सारा इसके इक्वल ऊपर नीचे वाला रह गया रेक्टेंगुलर। ये यहां से लेके हमारे पास T आ गया था ना, ये वाला T, तो OE मेरे पास T है, तो उसके ऑपोजिट क्या पड़ा है, AD। सबसे पहले तो ये वाला AD लेंगे, ये टी है, ए डी, सी बी का बाद में देखेंगे, पहले अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ तक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके इक्वल आती है, जो कि स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब स्लोप क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ए बी है ना। अब स्लोप को हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। स्लोप के सामने वाली क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस आ जाएगी है ना, बी डी अपॉन ए डी। अब ए डी किसकी इक्वल है, ओ ई के।
That means BD upon OE. ठीक है, अब BD को भी हमने तोड़ लेना है. BD किसके इक्वल आएगी? BE माइनस DE, है ना? BE माइनस DE अपॉन OE. अब BE या EB हमारे पास V है, DE या ED हमारे पास क्यों है? ये हमारे पास T आ गया. तो टी हमारे पास जो है एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा वी माइनस यू. तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, हम इसी के साथ लेके चलेंगे, इसी वाले स्टेप से, एक्सेलरेशन वाले स्टेप से. जब हमारे पास एक्सेलरेशन हमने लिया था बी डी या डी बी ओवर AD. अब मेरे पास AD के क्या वैल्यू है? T है. तो DB या BD मेरे पास A इंटू T आ गया. अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी ऑब्जेक्ट इन टाइम T. क्या आएगा डिस्टेंस मेरे पास? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम कौन सा चल रहा है यहाँ पर? चल रहा है ओ ए बी ई. कौन कौन सा पार्ट आ गया? ओ ए बी ई. इस तरह से मेरे पास ये अब ट्रेपीजियम बन गया. ठीक है, ऊपर ट्रायंगल, नीचे रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम ही है. अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा रेक्टेंगल है मेरे पास? ओ ए डी ई. ओ ए डी ई. और ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है मेरे पास ए बी डी. यहां पर हमारा 90 का बनेगा. ठीक है, अब लेंथ इनटू ब्रेथ तो हमारे पास इसका हो जाएगा. तो लेंथ क्या है मेरे पास? ओ ए है. ब्रेथ क्या है? ओ ई है. ओ ए इंटू ओ ई हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस क्या है? ए डी. परपेंडिकुलर क्या है? बी डी, है ना? तो ओ ए तो मेरे पास आ जाएगा यू, ओ ई मेरे पास आ जाएगा टी, यू टी आ गया. हाफ ए बी. ए डी आएगा, मैंने गलत लिख दिया. तो पहले सोचो, ये भी तो बन नहीं रहा, बेस है ना. ए डी. ए डी मेरे पास क्या है? टी. और बी डी को हमने क्या कहा था, या डी बी को हमने क्या कहा था? ए इंटू टी. तो मेरे पास ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब थर्ड वन के लिए जो ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए हमने सेम चीज ही करनी है. सेम चीज यानी कि यहां तक हमारा सेम आएगा, यहां तक. तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ. सेम ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला उठाना है. हाँ जी, सेम ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला उठाया तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा? सीधा लेंगे जो चीज हमारी कॉमन निकलती है, सिंपल ट्रेपेजियम से ही ले लेते हैं. ट्रेपेजियम का एक डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो करेंगे. हाँ जी, सबसे पहले होगा हमारे पास हाफ इंटू ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई. अब इसमें हमारे पास ई बी क्या है? प्रॉपर ये सारा का सारा ट्रेपीजियम का परपेंडिकुलर आ गया. यहाँ पे भी तो 90 का ही एंगल है. परपेंडिकुलर इंटू बेस ओ ओ ए, सॉरी सामने वाला, उसके ऑपोजिट साइड आ गई, यानी कि ऑपोजिट साइड की एडिशन आ गई. तो अपॉन
सॉरी इनटू क्या आ जाएगा, ओ ई बेस आ जाएगा, यानी कि ये वाला बेस उखाड़ है, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स का सम अपॉन इनटू बेस क्या है, अपॉन टू हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, हमें पता ही है, डी बी अपॉन ए डी। अब डी बी को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इस डी बी को जैसे हमने फर्स्ट वन में किया था, ई बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई कह सकते हैं, ए डी को बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो ओ ई मेरे पास क्या आ जाएगा, ई बी माइनस ई डी अपॉन एक्सेलरेशन। अब इस चीज को, ओ ई की इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर फिल कर दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करती हूँ, हाफ ई बी प्लस ओ ए इंटू ई बी माइनस ई डी अपॉन ए, ठीक है। अब जो यहाँ पर ओ ए है, ओ ए को मैं ई डी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ऐसा आ जाएगा हाफ ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी अपॉन ए, बी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ई बी की स्क्वायर माइनस ई डी की स्क्वायर अपॉन टू ए हो गया। अब ई बी क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू ए एस इधर गया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। खैर ग्राफिकल मेथड की डेरिवेशन बहुत कम चांसेस होते हैं उसके आने के एग्जाम में, बट स्टिल हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम, एक बार इसको आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, चाहे नहीं आएगी इसकी डेरिवेशन फिर भी आप इसको खुद से सॉल्व करना, क्योंकि इससे क्या है आपको बेनिफिट काफी होगा, आपके लिए आगे की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सॉल्व करने इजी हो जाएंगे, डेरिवेशन रिड्यूस करना उनको इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ्स, अलग अलग ग्राफ से हमने क्या है नेचर ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे पास ये है, ये डिस्टेंस और ये टाइम है ना, और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे पास ऐसा है, दोनों में फर्क क्या है। देखो अगर तो बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होगा, ये रेस्ट पे होगी, है ना। अगर बॉडी जो है मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये मोशन में है, मोशन में भी कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है बॉडी, जिसको एनालाइज करते हैं। जैसे इस वाले ग्राफ में था बॉडी रेस्ट पे थी, तो जो ये स्लोप है ए बी, ये हमारे पास जीरो है, कोई वैल्यू नहीं इसकी, क्यों, बॉडी की स्पीड ही नहीं है कोई। अगर उसकी कोई स्पीड होती तो इसका स्लोप की भी कोई वैल्यू होती, है ना, तो इसकी स्लोप तो जीरो के बराबर होगी। लेकिन इस वाले में जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये ओरिजिन से पास होके जा रहा है, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है टी इज इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ है ना, उसका डिस्टेंस भी है जो शुरुआत में जीरो था, उसकी वेलोसिटी भी शुरुआत में जीरो थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट गेन सम वेलोसिटी, इट ट्रेवल सम डिस्टेंस और आफ्टर सेवरल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम कुछ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं, जैसे कि अब मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, सॉरी गलत कर दी,
ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओ ए, ये मेरा डिस्टेंस और ये रहा मेरा टाइम। सिमिलरली एक मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये ओ ए, इस तरफ है मेरा डिस्टेंस ऊपर की तरफ एंड हॉरिजॉन्टल हमारा टाइम चल। इन दोनों में क्या दिक्कत है? देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन, स्पेशली वो मोशन जिसमें जो है स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है या अप हो रही है ना? स्पीडिंग अप मोशन है, क्योंकि जो स्लोप है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, यूनिफॉर्म नहीं है, वो बढ़ती जा रही है स्लोप। और इस वाले में क्या है? ये डीसेलरेशन दिखा रहा है, या बेटर टू बी से रिटार्डेशन दिखा रहा है। और ये क्या स्पीडिंग डाउन मोशन है? टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही है, धीरे हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है धीरे चल रहा है। ठीक है, तो स्पीडिंग डाउन का हो गया, ये स्पीडिंग अप का ग्राफ हो गया। क्लियर हुआ? यस मैम, नेक्स्ट एक और करते हैं ग्राफ। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि डिस्टेंस एक्सिस से पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट के एक ही टाइम पे इनफाइनाइट स्पीड से इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर गया। क्या ये चीज पॉसिबल है एक ही सेकंड में? स्पेसशिप तो है नहीं हमारे पास ऐसी अभी बनी जो लाइट ईयर्स तक मूव कर जाए। वो लाइट ईयर्स तक मूव करते हुए भी कुछ कुछ सेकंड्स का डिस्टेंस लेती है या मिनट्स का डिस्टेंस लेती है। दैट मींस टाइम तो शो होना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई मोशन है ही नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि एक सेकंड पे वो क्या है इनफाइनाइट स्पीड के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं बनी है, कोई ऐसी शिप नहीं बनी है, कोई ऐसा यू नो व्हीकल नहीं बना हमारे पास कि ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाए। वो व्हीकल भी अगर मूव करेगा इनफाइनाइट स्पीड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो कुछ मिली सेकेंड्स को कवर करेगा नहीं करेगा। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है ऐसा कुछ। अब कुछ और ग्राफ्स करते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। हाँ जी, अब ये वाले ग्राफ्स क्यों नहीं पॉसिबल? सबसे पहले लेफ्ट वाले साइड की बात करते हैं। जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की इस तरह से डिक्रीज नहीं हो सकती कि टाइम बढ़ता जा रहा है और जो डिस्टेंस है बॉडी का उसने जो कवर किया वो कम होता जा रहा है, वो डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा। चाहे आप चल एक जगह पे वाजा शुरू होके, मान लीजिए आप यहाँ पे शुरू हुए, यहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन थी और यहाँ पे वापस आना था, तो आप यहाँ से चले लेकिन वापस वहां पे आए। जब आप यहाँ पे थे तो आपका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, एक्चुअल में आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो आपका डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। तो आपकी डेस्टिनेशन से दूरी कम हो रही है और उसके अकॉर्डिंग टाइम भी आपको प्रोवाइड है, टाइम भी उतना ही कम ही मिल रहा है। तो ये नहीं है कि आपका टाइम बढ़ता गया और यहाँ से आपका डिस्टेंस पीछे की तरफ होता गया, कम होता गया, दैट इज नेगेटिव डिस्टेंस आ रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल हमारे वर्ल्ड में, तो ये पॉसिबल नहीं। पैरेलल वर्ल्ड में तो कुछ कह नहीं सकते। सिमिलरली इस वाले में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दो डिफरेंट पोजीशन बता रहा है ऑब्जेक्ट की। एक समय पे ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग पोजीशन पे है, एक 10 मीटर की दूरी पे, ये 40 मीटर की दूरी पे है।
एक ही समय पे ऑब्जेक्ट दो चीजों पे नहीं हो सकता, किसी के पास टाइम मशीन नहीं बनी अभी तक ऐसी, ये चीज हमारे पास पॉसिबल है। इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम, अभी आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अलग अलग तरह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास दिस वन, जस्ट लाइक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ एंड टाइम इस तरफ। इस ग्राफ में देखिए ये क्या है, स्टेशनरी बॉडी, दैट मीन बॉडी जो है रेस्ट पे है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई कुछ चेंज नहीं है, टाइम बीतता जा रहा है उसका कोई चेंज नहीं है, हर एक टाइम पे हर एक सेकंड पे वो वहीं पे है, फिर इसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसके जीरो वेलोसिटी है, जीरो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर ली। अब अगर हम इस वाले को देखें, काफी हद तक ये भी पहले वाले जैसे, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, ये सारी की सारी की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चल रही है, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है इस केस में जीरो है। क्यों? जब एक्सेलरेशन क्या, तो चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ही कॉन्स्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो कुछ रही नहीं, एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगी। अब एक और ग्राफ लेते हैं, सेम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर टाइम। अब इसमें क्या है, ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, कहीं पर कुछ चेंज आ रहा है, कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्स्टेंसी नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये वाली जो कर रही है इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि इसमें क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं था, ये सिंपल मोशन में था, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मीन्स इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कहीं पे बढ़ेगी कहीं पे कम होगी कहीं पे फिर बढ़ेगी, बेसिकली ये बढ़ी रही है कॉन्स्टेंटली, ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बढ़ी रही है, इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। क्या जो अलग होते हैं वो पैराबोला होता है, अपवर्ड की तरफ बेंड हो रहा होता है, ठीक है, तो ये वाला क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वो इस तरह का होता है। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि इसमें जो है हमारी वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है, ये एक्चुअल में के काइंड ऑफ डिसेलरेशन है, जैसे पहले वाले का था, ऑलमोस्ट सारे के सारे ये वैसे ही है, यहाँ तक तो सारे वैसे ही है। अब एक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये हो गया, इसमें जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर हमारा ओरिजिन आ गया, अब इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारी कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ, और फिर एक टाइम पे आके क्या है जीरो हो जाती है यहाँ पे, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर जीरो है, टाइम के तो वैल्यू है, तो ये वाला जो स्लोप हो गया कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, और ये नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है, नेगेटिव स्लोप जो है नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रहा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जा रही है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू होके वापस ऐसे जा रहा है उसी रास्ते पे, ठीक है, ये चीज इसमें दिखाई जा रही है। देन है हमारे पास ये फोर ग्राफ, इसको स्टडी करते हैं, आज सारे ग्राफ स्टडी करेंगे।
ये पर्टिकुलर टाइम पे इसको ऐसे क्रॉस करती है। जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें ये नेगेटिव होती है, पहले तो ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन टी टाइम को क्रॉस करती है नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या ये कम होते जा रही है, बिल्कुल ही नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ के ऊपर क्या ये, अगर यहाँ से नीचे से ऊपर देखे तो यहाँ से इंक्रीज हो रही है, अगर ऐसे देखे तो ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दो तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। इट मीन्स जो बॉडी है अगर ऐसे है यहाँ से ऊपर जा रही है तो वो अपनी ए पोजीशन पे रिटर्न कर रही है। ठीक है, फिर अगर ऐसे देखना है तो पहले बी से क्रॉस करके जाएगी, सी पे आएगी, सी पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वापस से इस तरफ गई और ए पे रिटर्न होगी। क्लियर यहाँ तक? डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर लिया, आगे हमें अभी वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम करने हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम, ठीक है, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं। पहले तो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे है वो वाले उठाते हैं, अब इसमें सारे के सारे वेलोसिटी होंगे। अभी देखिए फर्स्ट वन में स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दैट मींस जो है बॉडी जो है रेस्ट पे तो नहीं है, रेस्ट पे होती तो ये चीज तो आनी नहीं थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है ना? तो लेकिन स्टिल इसकी जो स्लोप है वो जीरो है, क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसके कारण एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। लेकिन इस वाले में देखिए ये बॉडी यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करते जा रही है, जिसके कारण इसकी स्लोप ओ ए आ रही है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट मींस जितनी ज्यादा बढ़िया स्लोप ये बनेगी उतनी ही ज्यादा इसकी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी में बार बार चेंज आ रहा है, यहाँ पे कम थी फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, तो ये एक्सेलरेशन दिखा रही है हमें। इसके अलावा इससे मिलता जुलता हमारे पास क्या है, एक और ग्राफ है, दैट मीन्स दिस वन जो हमने उसमें भी किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी किया था। यहाँ पर हमारी क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, दैट मीन्स यहाँ पर ये रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं हुई, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होगी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गई, रेस्ट से नहीं स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, और हर बार इसमें क्या चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ये वेलोसिटी में कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं ये वाली, कहीं पे कम चेंज कहीं पे ज्यादा चेंज, है ना, और ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इसमें। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन सेम वैसे ही ग्राफ आएंगे वेलोसिटी टाइम में जैसे हमने डिस्टेंस टाइम में किया है। डाउनवर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है स्लो हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, इसी कारण ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रही है। अब जैसे डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किया था वैसा सेम ग्राफ इसमें भी है मेरे पास, ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ये रही ए बी, और ये एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, बॉडी जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, कि कुछ वेलोसिटी थी नहीं, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती होती है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी, तो नेगेटिव स्लोप आ गई, और एक्सेलरेशन कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, क्यों, ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है। क्लियर हो रहा है, इजी है ये, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं समझा रही हूँ। यस मैम, फिर सेम वैसा ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा यहाँ पर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी एक टाइम पे, यहाँ पे जीरो हुई, फिर उससे भी नेगेटिव होने लगी,
ठीक है, नेगेटिव भी हो गई और मैग्नीट्यूड भी इसका बढ़ने लग गया इस साइड डाउनवर्ड ट्रेंड में। दैट मींस बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रही है, ठीक है, विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर हमारे पास एक ग्राफ ऐसा आता है, ये वाला देखने वाला है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास क्रेस्ट एंड ट्रफ है, ये हमारी इस तरफ अपवर्ड वेलोसिटी चल रही है, ये हमारा टाइम। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है, प्रॉपर वेरिएबल एक्सेलरेशन। पहले बढ़ गई फिर कम हो गई फिर बढ़ गई, ठीक है। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गई, यहाँ पे नीचे गई नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या तीनों का ही पॉजिटिव लेंगे, और एक्सेलरेशन भी यहाँ पर बढ़ेगी फिर कम होगी फिर बढ़ेगी फिर कम होगी फिर बढ़ेगी फिर कम होगी फिर बढ़ेगी, तो ये वरी कर रही है बार बार। ये कौन सी एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास, वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर? यस मैम। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो है हमारे पास थोड़े से डिफरेंट है। स्पीड टाइम ग्राफ का हमारे पास फर्क है क्योंकि इसमें ना हमारे पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि ये है, ये भी मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और ये भी मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ, ये बड़े अटपटे से हैं, इनको समझते हैं। देखिए जो बॉडी है अपवर्ड्स प्रोजेक्ट की गई थी ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब बॉडी मूव करती है उसकी उसको ऊपर की तरफ उछाला गया, ठीक है, तो जितनी तेजी से उसको उछाला गया उसके अकॉर्डिंग के वो उतनी स्पीड नहीं गेन कर पाई, और जैसे जैसे ऊपर जाती गई स्पीड कम होती गई बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज ही होती जा रही है, हर एक मोमेंट पे इसकी स्पीड के कम हो रही है, इसलिए ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। फिर एक इंस्टेंट पे ये जीरो हो जाएगी स्पीड यहाँ पे, फिर इसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी यहाँ पे, और उसी स्पीड पे आ जाएगी जिस स्पीड से उसको क्या उछाला गया था। क्लियर? इस वाले में क्या, इसमें तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला था, इसमें बॉल को नीचे की तरफ उछाला है, नीचे की तरफ फेंक है। बेसिकली मेरे पास एक बॉल थी उसको मैंने ड्रॉप कर दिया जमीन पे, या मैं क्या है किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूँ वहां से मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो एक पहले तो ये स्पीड गेन करेगी फिर ये जमीन पे टकराएगी तो जीरो होगी, जीरो होगी तो जमीन पे टकरा के ये वापिस से बाउंस करेगी, वो जब वापिस से बाउंस करेगी तो इसकी बाउंस तो कर जाएगी ऊपर को तो उछल जाएगी, स्पीड तो ले लेगी लेकिन वो कम होती रहेगी, कम स्पीड से होगी, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर वो फिर से जब नीचे पहुंच जाएगी वो जीरो स्पीड पे आ जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब रह गए हमारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ फिर इसके रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है। पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करते हैं, हमारे पास तीन ही हैं और तीनों के तीनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलते जुलते हैं। एक तो ये है, एक ये है, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी होती है, ये रही एक्सेलरेशन ये रहा टाइम, तीनों में। अब इनमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट वन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कोई चेंज नहीं ना आ रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो वो यूनिफॉर्म होगी। इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन अगेन सेम वही चीज है, पहले यहां पर बड़ी फिर कम होगी फिर बड़ी,
इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? एरिया जो फर्स्ट का आएगा हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो गया, फिर ये फिर से ऊपर को गया तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये चेंज इन वेलोसिटी सामने आएगा। समझ में आया? यस मैम। अब इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप सोल्व करोगे, आपका ये होमवर्क है। फिर हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रहेगा जो हमने कल को करना है, रिलेटिव वेलोसिटी, फिर उसको ग्राफ्स के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर फिगर्स के साथ डिटरमाइन करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एक दो में आपको इसके न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी क्योंकि इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टिपिकल है, ग्राफ वाले हो जाते हैं, ये वाले नहीं होते, रिलेटिव वेलोसिटी वाले। तो कल को रिलेटिव वेलोसिटी करते ही हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे परसों को, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे उससे पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ें।